हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भक्ति चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में सही तरीके से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो आपका चैनल ग्रो होने लगता है और आपके चैनल में बहुत ज्यादा व्यूज आने लगते हैं। कैटेगरी सही तरीके से सिलेक्ट कर लेने से यूट्यूब ये जान जाता है कि आप किस तरह के वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल में। वैसे इस वीडियो को बनाना जरूरी नहीं था, आप लोग के कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्ति चैनल की कैटेगरी बताने के लिए हमें मोबाइल की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। भक्ति चैनल की कैटेगरी बताने के लिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, तो यहाँ से हम ओपन करेंगे बाइटी स्टूडियो। बाइटी स्टूडियो ओपन होने के बाद यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यही वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि ये वीडियो भक्ति से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो ये देखिए, यहाँ ऊपर पेंसिल का आइकन है ना, तो इसी पेंसिल के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सर्च होने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा है टैग कैटेगरी कमेंट, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ लिखा है टैग और इसके नीचे लिखा है कैटेगरी, तो इसी कैटेगरी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कैटेगरी पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आ जाएंगी, मतलब हर प्रकार के चैनल की कैटेगरी यहाँ पर आ जाएंगी। तो आपको भक्ति चैनल के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो आप भक्ति चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे? तो भक्ति चैनल के लिए यहाँ पर कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाई गई है, आपको यहाँ से एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है जो भक्ति से रिलेटेड हो। तो भक्ति चैनल के स्टेटस के लिए और वीडियो के लिए कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे? भक्ति चैनल के लिए कैटेगरी है पीपल एंड ब्लॉग्स। पीपल एंड ब्लॉग्स पर आप क्लिक कर देंगे ना, तो आपकी कैटेगरी सही तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि भक्ति चैनल के लिए कोई अलग से कैटेगरी तो बनाई नहीं गई है और जो यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है ना, ये कैटेगरी उसमें मैच नहीं करेंगी। जैसे कॉमेडी है तो कॉमेडी पे मैच नहीं करेगी, एजुकेशन है तो एजुकेशन पे मैच नहीं करेगी, इंटरटेनमेंट है तो वो भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसी कोई सी कैटेगरी इसमें नहीं है कि जो आप भक्ति चैनल के लिए अलग से सेलेक्ट कर सकें। तो लास्ट चारा यही बचता है कि आप पीपल एंड ब्लॉग्स सेलेक्ट कर लीजिए। पीपल एंड ब्लॉग्स ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें सब लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का चैनल बनाओ ना, वो पीपल एंड ब्लॉग्स सेलेक्ट कर सकता है। तो आप भक्ति चैनल के लिए पीपल एंड ब्लॉग्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, यही सबसे बेस्ट कैटेगरी है। ओके, तो अब आप लोगों के कमेंट के जवाब मिल गए ना, भक्ति चैनल के लिए पीपल एंड ब्लॉग्स कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको कैटेगरी के बारे में बताया है वो कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी कि आप भक्ति चैनल की कैटेगरी क्या सिलेक्ट करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।